नमस्ते दर्शक मित्रों, હું શ્રુતિ મોજીદરા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. आजम खान को फिर लगा बड़ा झटका. दो और किसानों ने जबरन जमीन को हड़पने के संबंध में आरोप पत्र किए दाखिल. रामपुर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में किसानों की जमीन को जबरन मिलाया गया था. सपा के शासनकाल में आजम खान ने दावा किया था किसानों की जमीन को खरीदा गया है, लेकिन यूपी में सत्ता परिवर्तन के बाद 26 किसानों ने मुकदमा दर्ज किए थे. अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह ने बताया कि विवेचना के चलते दो और युवक प्रकाश में आए हैं जिन्होंने आरोप पत्र लगाए हैं. उनकी जमीन को जबरन यूनिवर्सिटी में मिलाया गया है. अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इन आरोप पत्र को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा. अब दिन प्रतिदिन समाजवादी पार्टी के कदावर नेता सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. जी हां, आपको बता दें कि यह जमीन आलियागंज के किसानों की है जिसे सपा के शासनकाल में यूनिवर्सिटी में जबरन मिला दिया गया था. उस वक्त आजम खान दावा करते थे कि किसानों की जमीन को हड़पा नहीं गया है बल्कि खरीदा गया है. यूपी में सत्ता परिवर्तन के एक वर्ष बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती चली गई. कथित तौर पर आजम खान ने यूनिवर्सिटी के लिए 70 बीघा जमीन कब्जा किया था. यूनिवर्सिटी 500 एकड़ में फैला है. इसका संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा किया गया है. प्रयागराज रेवेन्यू बोर्ड कोर्ट ने बताया कि यूनिवर्सिटी की जमीन दलित किसानों के समूह से मिली गई है. जौहर विश्वविद्यालय की जमीन के संबंध में कुछ आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, क्या है पूरा मामला? आप सभी को मालूम है कि जौहर विश्वविद्यालय में आसपास के किसानों की जमीन गैर कानूनी तरीके से बाउंड्री के भीतर जबरिया कब्जा कर ली गई थी. उसको लेकर के कई मुकदमे दर्ज किए गए थे और अधिकांश मुकदमों में आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन विवेचना से इसमें कुछ नाम और प्रकाश में आए और ये जो नाम प्रकाश में आए ये सभी लोग जौहर विश्वविद्यालय को जो ट्रस्ट संचालित करता है उसके ट्रस्टी हैं. इनके विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य हैं, इस नाते आज दो मामलों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है. महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो 7 ट्रस्टी जिनके विरुद्ध आज आरोप पत्र जा रहा है उसमें चमरौगा से विधायक नसीर अहमद खां और रामपुर के सांसद आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम खां और उनकी बहन निगहत अखलाक का नाम शामिल है.